साल 2024 का चुनाव एनडीए बनाम इंडिया होगा। दक्षिण भारत में इसकी नींव उस वक्त लगी जब बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में कई घंटों के मंथन के बाद एक नया महागठबंधन इंडिया बाहर आया। इंडिया ने तय किया कि मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए 26 दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। बकायदा सभी दलों के प्रमुख नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और अपनी रणनीति को साझा किया। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा कि 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं उसमें ये सब डिस्कशन होगा और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा। जा कैसा करना ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में। पहले पटना में महागठबंधन की नींव रखी गई, अब बेंगलुरु में इसका नामकरण और खाका तैयार हुआ और अब मुंबई में महागठबंधन की व्यूह रचना तय होगी, जिसमें सीटों के बंटवारे समेत अन्य रणनीति पर फैसला होगा। मतलब साफ है, सत्तारूढ़ एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस सीधी चुनौती देगा। खास बात यह है कि 2004 से लेकर 2014 तक सत्ता पर काबिज यूपीए का अस्तित्व अब खत्म हो गया है। जब मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ने के लिए दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में चिंतन हो रहा था तो सत्तारूढ़ एनडीए ने अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी। दिल्ली में 38 पार्टियों ने विपक्षियों को मात देने के लिए रणनीति पर चिंतन किया। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है, बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। बहरहाल दोनों गठबंधन की बैठक के बीच कई सियासी बाण चले, जिसमें बीजेपी ने विपक्ष तो कांग्रेस ने एनडीए की बैठक पर सवाल उठाए। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचारियों का टोला बताया तो कांग्रेस ने कहा भूत बन चुके एनडीए में फिर से जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। अब दोनों गठबंधन की बैठक के बाद सवाल ये उठता है कि क्या एकजुट हुआ विपक्ष कुछ कमाल कर पाएगा या एक बार फिर एनडीए अपनी जीत बरकरार रख पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।